हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेस्ट ऑल रेसिपीज़। आज मैं लेकर आई हूँ मीठी सेवई की रेसिपी। बहुत ही आसान है इसे बनाना और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगती है। चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाना है। हमें चाहिए एक पैन, उसमें डालेंगे घी। घी जैसे ही गर्म हो जाएगा अब इसमें डालेंगे बादाम और काजू। मैंने यहाँ पर 8 से 10 कटे हुए बादाम लिए हैं और 5 से 6 काजू लिए हैं। इनको हम अच्छी तरह से घी में थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। काजू बादाम या फिर कोई भी ड्राई फ्रूट आपको कितना डालना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप चाहें तो इन्हें ज़्यादा भी डाल सकते हैं या फिर कम भी डाल सकते हैं, और बिल्कुल भी नहीं है तो आप छोड़ भी सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है डालना। 1 मिनट तक लो फ्लेम पर काजू बादाम को पका लेने के बाद अब डालेंगे इसमें मखाने। मखाने भी मैंने 12 से 15 लिए हैं। आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो डालें वरना स्किप भी कर सकते हैं। मखाने डालने से मीठी सेवई का टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। अगर आपके पास हैं मखाने तो आप ज़रूर डालें। अब इन सभी को अच्छी तरह से थोड़ी देर तक पका लेंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना है और लो फ्लेम पर ही इन्हें चलाते हुए थोड़ा सा हम भून लेंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे हम किशमिश। तो मैंने किशमिश भी 8 से 10 ली हैं। ड्राई फ्रूट आप इसमें कोई से भी डाल सकते हैं, जैसे नारियल, पिस्ता, छुहारा, आप कोई भी इसमें ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। सभी चीज़ों को भूनते हुए मुझे 1.5 मिनट हो चुके हैं। बस हमें इतना ही करना है, उसके बाद हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। तो अब मैं इनको सभी को बाहर निकाल लूँगी। तो मैंने एक कटोरी है और इसी कटोरी में मैं निकाल लूँगी सभी को बाहर। अब इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच घी, दोबारा से डालेंगे। अब इसमें हम डालेंगे यहाँ पर 1/2 कटोरी सेवई। ये कच्ची सेवई है और थोड़ी सी मोटी वाली है। अगर आप बिल्कुल पतली वाली जो सेवई आती है वो बना रहे हैं तो आपको उसे ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। सिर्फ 1 मिनट तक इसी तरह से फ्राई करें और उसके बाद इसमें दूध डाल देंगे। लेकिन ये थोड़ी सी मोटी वाली सेवई है तो यहाँ पर मुझे कम से कम 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको थोड़ा सा कलर चेंज करने में। इस तरह से करने से ना इसका कच्चापन निकल जाएगा और जब इसको हम खाएंगे तो इसमें कच्चापन नहीं आएगा। इसे भी बीच बीच में चलाते रहेंगे और गैस का फ्लेम लो रखेंगे। कम से कम इसे 5 मिनट तक इसी तरह से भूनना है। आप देख सकते हैं कि जब हमने इसमें डाली थी सेवई तब ये सफ़ेद कलर की थी, लेकिन अब धीरे धीरे इसका कलर जो है वो गोल्डन कलर का होने लगा है। इसका मतलब है कि ये भुनने लगी है और इसमें से बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। अब इसमें डाल देंगे दूध। तो मैंने 1/2 लीटर दूध लिया है और ये उबला हुआ दूध है, अभी ये पूरी तरह से ठंडा नहीं हुआ है। अगर आपके पास उबला हुआ ठंडा दूध है तो आप वो भी डाल सकते हैं। दूध डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसी तरह से लगातार हमें चलाते रहना है और इसे मिक्स करते रहना है। इसको आप डालकर दूध छोड़ मत देना, वरना तो ये नीचे से जल जाएगी और आपस में चिपक जाएगी। तो यहाँ पर हमें इसी तरह से इसे चलाते रहना है, चलाते हुए ही हम इसे पकाएंगे। आप देख सकते हैं कि इसमें उबाल आ रहा है, तो जैसे ही उबाल आने लगेगा हम इसे फिर से चलाएँगे। इसी तरह से हमें चलाते रहना है जब तक कि ये थिक ना हो जाए। अभी आप देख सकते हैं कि जब हमने दूध डाला था तो ये काफ़ी ज़्यादा पतली थी, लेकिन अब ये धीरे धीरे गाढ़ी होने लगी है। जब इसे थोड़ा सा और पका लेंगे तो ये और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। जब आप इस तरह से सेवई बनाएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है ये। तो ये आप देख सकते हैं फिर से इसमें उबाल आने लग गया था, तो अब मैंने इसे फिर से चला दिया। इसी तरह से हमें इसे चलाते रहना है। ये देखिए फिर से उबाल आने लग गया है। अब जो ड्राई फ्रूट भून के रखे थे वो भी इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पर डालने के बाद हम ड्राई फ्रूट फिर से मिक्स कर देंगे। अच्छी तरह से इसे मिक्स करना है। आप देख सकते हैं ये पहले से काफ़ी ज़्यादा गाढ़ी हो गई है। अब इसमें डालेंगे चीनी। तो आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं चीनी। मैंने जो खाने वाला चम्मच होता है उससे 3 चम्मच चीनी ली है। तो यहाँ पर मैं चीनी डालकर भी अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी और चीनी को भी हमें गला लेना है इसी तरह से। तो मिक्स करते रहना है हमें। अब ये लगभग पक गई है तो इसको हम 1 मिनट तक और पका लेंगे। लेकिन उससे पहले हम इसमें डालेंगे 4 से 5 कुटी हुई इलायची। इलायची डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट हो जाएगा इसका। आप किसी भी मीठी चीज़ में इलायची डालते हैं तो उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इलायची डाल दिया है, अब इसको हम 1 मिनट तक और पका लेंगे, फिर गैस को बंद कर देंगे। यहाँ पर हमारी जो है सेवइयाँ बनकर बिल्कुल रेडी है। तो यहाँ पर इसे हम सर्व कर लेंगे। मैंने एक बाउल में से सर्व किया है। वैसे तो हमारी सेवई में बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें गार्निशिंग के लिए थोड़े से ऊपर से और भी ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। जो हमने घी में ड्राई फ्रूट्स भुने थे उसी में से मैंने थोड़े से निकाल लिए थे, अब मैं इनको ऊपर से गार्निशिंग के लिए डाल रही हूँ। तो इसी तरह से हम डाल देंगे। उसके बाद हम इसे चमचे के पीछे वाले हिस्से से थोड़ा सा दबा देंगे जिससे कि ये थोड़ा सा दूध में मिक्स हो जाए।
तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा सा हम दबा देंगे और यहाँ पर हमारी मीठी सेवई बनकर बिल्कुल तैयार है। बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही टेस्टी बनी है ये। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक है। अगर आप इसे और पतला रखना चाहते हैं तो थोड़ा सा दूध और डाल सकते हैं। यहाँ पर हमारी बहुत ही टेस्टी सी सेवई बनकर बिल्कुल रेडी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।